अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फौजिया किचन। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है जो कि हमने इसको वॉश करके रखा था ताकि ड्राई हो जाए। ड्राई हो गया है ये। और ये हमने 3 कप चावल लिए हैं जिसको हमने 1 घंटा पहले भिगो दिए हैं। और ये 1 कप हमने रेड प्याज ली है, इसको ब्राउन करके रख दी थी हमने पहले। और ये 2 टमाटर हैं और ये लेमन है। और हमने ये लिए 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। और साबुत गर्म मसाले में हमने लिए हैं पुलाव पत्ता हो गया इसमें, और दालचीनी, दालचीनी का टुकड़ा, जायफल एंड जावित्री एंड इसमें हो गया बड़ी इलायची एंड हरी इलायची एंड लौंग। ओके, और 5 हरी मिर्च ली हमने। और यहाँ पे हमने लिया है ये पाउडर मसाला में है, ये देखें, इसमें हमने लिए 1 टेबल स्पून सूखा धनिया एंड 1/2 टेबल स्पून रेड मिर्च एंड हल्दी हमने ली है 1/2 स्पून एंड 1 टेबल स्पून हमने लिए है नमक। और हमने लिए 1/2 कप दही। और ये हमने लिए 2 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला। हम ये चीज़ें चिकन में मसाला मिक्स कर देंगे। अच्छा, हम दही में मसाला मिक्स करेंगे। ये पाउडर मसाले, हल्दी है इसमें, सूखा धनिया और ये रेड मिर्च और नमक एंड हम इसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर का पेस्ट। ओके, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे दही में ताकि अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अच्छा, ये हमने तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं दही के अंदर। हम इसको चिकन में ऐड करेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसको 10 मिनट के लिए हमने चिकन में मिक्स करके मसालों को रख देंगे फ्रिज में। ये हम बिरयानी का मसाला मिक्स करेंगे इसमें ताकि बेहतरीन टेस्ट आ जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चलो जी, 1 कप हमने ऑयल लिया है, इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। इसके साथ हम डालेंगे चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था, चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाले। इसको हम तेज आंच पे रख देंगे ताकि, क्योंकि चिकन ने भी पानी छोड़ना है, दही है इसमें, तो इसको हम तेज आंच पे भूनेंगे। हमने आग तेज कर दी है, इसी में हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है राइस का। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा एंड स्पून नमक एंड बॉईल आ जाएगा तो हम इसमें राइस ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे सोए 1/2 कटोरी एंड इसमें हमने आलू भी ऐड कर लिए थे क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और इसमें हम मैंने 1/2 कटोरी सोए डाले हैं और 1/2 कटोरी पुदीना इसमें जाएगा और 1/2 कटोरी धनिया जाएगा इसके अंदर। पानी को बॉयल अच्छी तरीके से आ गया, हम इसमें ये राइस ऐड करेंगे। चिकन भी चेक करते हैं, चिकन भी रेडी है। हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। ओके, ये देखिए हम तेल लगा रहे हैं राइस की। अब हम तेल लगाएंगे चिकन की मसालों की। देखिए कितना अच्छा कलर आया है चिकन का। एक और चूल्हे की आंच दरमियानी कर लेंगे
ताकि जिसे लग ना जाए चावल। अब इस पे गार्निश करेंगे। गार्निश के लिए रेड प्याज, अब फूड कलर ऐड करेंगे। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया हरा गार्निश के लिए, साथ में थोड़ा सा पुदीना, हम ऐड करेंगे लेमन। हम अब राइस को दम दे देंगे 15 मिनट के लिए, इसके बाद हम मिलते हैं आपसे। बिरयानी को दम आ चुका है, जैसे कि देखिए माशाल्लाह, इसको हम डिश आउट करेंगे। मिक्स कर लिया चावलों को हमने, हम डिश आउट करेंगे। बिरयानी रेडी हो गई है, इसको ट्राई कीजिए, मेरी रेसिपी से बनाइए, मुझे कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।